पहलवान पहलवान था, पहलवान के अलावा कोई उस पहलवान की जगह नहीं ले सकता, कोई तो लगा उसको गिरा देंगे, पहलवान की जगह पहलवान ही रहेगा, वो भी उसकी जगह कोई लड़ नहीं ले पा रही है क्या? जिस नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है T13 न्यूज के YouTube चैनल पर। और आज हम फिर बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप के दोस्तों से जुड़ी हुई एक टॉपिक पर। अब YouTube पर देखते हैं कि कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें दुर्लभ कश्यप के अलग अलग दोस्तों के बारे में बताया गया है, जिसमें ज्यादातर हमने राजवीर के बारे में, नीलेश के बारे में और बोखला के बारे में बताया है। और अभी भी अगर YouTube पर दुर्लभ कश्यप के दोस्तों से जुड़े हुए वीडियो पब्लिश होते हैं तो उनमें ज्यादातर उन्हीं दोस्तों के बारे में बताया जाता है जिनमें आप जानते हैं। और आप इनके बारे में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड दुर्लभ कश्यप की तरह ही थे। और इसी के चलते हमने हेमंत बोखला पर भी एक एपिसोड बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि वो कितना बड़ा आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। और साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि वो अपने सारे अपराधों की सजा आज जेल में काट रहा है। इसके अलावा बात आती है राजवीर की, तो उसके बारे में भी आप जानते ही हैं। राजवीर ने कई बार लाइव में आके दुर्लभ कश्यप के लिए अपना दर्द छलकाया है और कई बार वो दुर्लभ के चले जाने के बाद गुस्से में अपना दर्द बयां करते हुए दिखाई दिया है। दुर्लभ ने उज्जैन में जिस तरह हिस्ट्री सीटर बदमाश की जो छवि बनाई थी, ये बात उसके दोस्त भी जानते थे। इसीलिए कुछ दिन पहले दुर्लभ कश्यप का एक और दोस्त अमन इंस्टाग्राम पर लाइव आया था और उसने इसी बात को लेकर हेलावाड़ी के कुछ लड़कों को गालियां बकी थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भाइयों ने वो वीडियो को देख लिया होगा, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि उसने क्या बोला। हालांकि वो लाइव बहुत लंबा था, मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट उठा के आपको बता रहा हूँ। अमन ने उस वीडियो में कहा था कि वो दुर्लभ कश्यप यानी कि पहलवान की जगह उज्जैन में किसी और को नहीं आने देंगे, पहलवान का जो नाम चलता था वो नाम बरकरार रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहलवान की जगह कोई और लेने की कोशिश करेगा तो हम उसको भी आगे नहीं आने देंगे। अगर आपने वो वीडियो को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर ज्यादातर भाइयों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो हम उस वीडियो में उसकी कही हर बात पर एक वीडियो बना देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो T13 न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।